अब ना अब हम लोग फ्री हो गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैंने नमाज पढ़ ली है क्योंकि टाइम काफी था। ये आ गए छोटे लग रहे हैं भाई, हमारी बदोबदी आ गई। डबल है ये मेरे लिए नया है क्योंकि मैं अभी तक इसमें नहीं। ये मेरी छक्को जो है ये मैंने ये सोचा कि नॉर्मल डेज में क्या ही मैं आप लोगों को व्लॉग शेयर करूँ। नॉर्मल रूटीन वही होता है, खाना पीना सोना जागना, जॉब स्कूल से आना स्कूल से जागना। तो मेरे यूट्यूब फैमिली बोर ना हो जाए तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल डेज में अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यानी जिस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स हुई या अगर कोई ब्रांड में कोई सेल लगी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो नॉर्मल डेज में वैसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे और इस तरह आमने सामने जब मैं आऊँगी, जब कोई स्पेशल ओकेजन या जब कोई स्पेशल ट्रैवलिंग होगी तब। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे, थंबनेल से भी समझ गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मा अप्पा के पास। अब तकरीबन 6-7 महीने हो गए क्योंकि लास्ट में दिसंबर से मिली हुई हूँ। शादी में जब मैं गई थी कराची उसके बाद से मैं नहीं मिली हूँ। और समर वेकेशन स्टार्ट हो गया और समर वेकेशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो अपना मैके ही याद आता है और बच्चों को अपनी नाना नानी ही याद आते हैं। वो सबके सब वहीं भी जा रहे होते हैं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मियों से मिलने, बच्चे अपने नाना नानी से और मामूओं से मिलने। तो और आप लोगों को जैसे कि पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई और मेरे अम्मा अप्पा रहते हैं दुबई। तो सोने का सुहागा ही हो गया कि भाई समर वेकेशन गोइंग टू सेलिब्रेट इन दुबई। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल हमारी फ़्लाइट है 3 बजे, अभी बज रहे हैं 10। तो मैंने कहा मैं 10 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। वैसे तो मैं सुबह की होती हूँ, मुझे पूरी रात ही जागी हुई हूँ, छोटे छोटे छोटी बहुत सी तैयारियाँ करनी थी तो वो सब हम लोग कर चुके हैं। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने और नाश्ता करने। आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। और अभी का सफ़र हो रहा है स्टार्ट और आगे क्या क्या होता है तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। पैकिंग हो गई है सारी डन, 1, 2, 3 हमारे बड़े सूटकेसेस जा रहे हैं, 2 हमारे कैरी ऑन जा रहे हैं और बाकी ये सारे लैपटॉप जा रहे हैं। सूट हम ये पहन रहे हैं, बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा लाइट सा मुझे ये सूट मिल गया था इंजन से, ये मुझे मिला है। जैसे आजकल काफ़ी फैशन चल रहा है शॉर्ट शर्ट विद पजामास 2 पीस, तो ये चल गया है। और इसके ऊपर जो हिजाब पहनना है वो मुझे वाइट कलर का पहनना है। हमने सोचा कि हम एयरपोर्ट में थोड़ा सा मॉडर्न बन के जाएं। मॉडर्न नाश्ते में हो रहा है कबाब पराठे, हम कहेंगे कबाब एंड पराठास। ये हम एक ही प्लेट में खा सकते हैं। तैयार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम हो गए हैं तैयार। मैंने नई चप्पल भी ली है नॉर्मल जगह से, एक हमारी लोकल मार्केट है, बहुत खूबसूरत चप्पल इस तरह की मिल रही होती है लोकल मार्केट में, तो ये ली है कोल्हापुरी। ये हमारा ऊपर हम ब्रांडेड है। हमारे बच्चे भी तैयार हो गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड हो तुम? एक्साइटेड क्यों हो तुम दुबई जाने में? फैमिली से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? सबसे ज़्यादा मज़ा किससे मिलने में आएगा? अच्छा जी, चले ठीक है। और क्या करेंगे आप लोग वहाँ पे जाके? और ये हमारे दूसरे हैंडसम आ गए हैं, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ। अच्छा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मजे करने, समर वेकेशन इंजॉय करने, नीनी अप्पा से मिलने, मामूओं से। हमारे बच्चे भी हो गए हैं तैयार, बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। तो फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट में जल्द मिलते हैं। चलिए जी, चलो चलो, मूव 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 मूव, तुम उस तरफ से आओ। सर कैसे करें? आप चला लें।
चलो भाई निकलो भाई निकलो जी बाबा को बात कर दिए। सो गाइस वी रीच्ड एयरपोर्ट। गर्मी बहुत है, बेइंतहा गर्मी है। तो मैं भूल गई थी, सॉरी। एक सूटकेस मत के पापा के पास आ गए हैं। सूटकेसेस अब हम निकाल रहे हैं, गर्मी बहुत है। एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। ये साहब टोन हो चुके हैं क्योंकि रात भर के जागे हुए हैं, ये इनके शरीर सर में दर्द हो रहा है। फिलहाल ये भी जागे हुए थे लेकिन ये तो अभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आपकी तबीयत क्या खराब हो रही है? तबीयत तो मेरी भी खराब है लेकिन आई एम नॉट शोइंग। सामान आ चुका है जनाब, सारा। हाँ रख दो रख दो रख दो, तबीयत खराब हो रही है तो रख दो। इसी वजह से कहते हैं कि अम्मा अब्बा का कहना मानते हैं कि रात को सोते हैं, रात भर मोबाइल देखते रहे, सुबह कुछ खाए। चले जी, वी आर रेडी टू मूव। अंदर चले भाई, ये कौन उठाएगा? चलिए जी, टिकट निकाल लें, पासपोर्ट से निकालें। चेकिंग हो गई हमारी, डन। नाउ वी आर गोइंग टू बोर्ड और देन उसके बाद इमिग्रेशन और फिर उसके बाद लाउंज। तो अब देखते हैं कि यहाँ से हम कब कब फारिग होते हैं। रश इतना नहीं नज़र आ रहा, इमिग्रेशन में रश होता है। इस टाइम मैं अकेली थी, इस दफ़ा माशाल्लाह से हमारे हस्बैंड भी हैं और माशाल्लाह से हमसान साहब भी हैं, तो वो लोग हेल्प आउट करवा रहे हैं। लेकिन वापसी में मेरे साथ ये दो बॉडीगार्ड्स हैं। इस दफ़ा जो है हमारे बड़ी औलाद जो है अपने मामा का साथ दे रहे हैं। आई होप के वेट में कोई मसला ना हो। तो जनाब ना अब हम लोग फ्री हो गए हैं फ्रॉम बोरिंग, फ्रॉम इमिग्रेशन, सारी चीज़ों से हम लोग डन हो चुके हैं और अब हम लोग आ चुके हैं लाउंज में। मज़े की बात ये हुई है कि लाउंज में से हमारा एक औलाद चली गई है यहाँ पीछे और बाकी हम सब के सब यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ख़रीदा था यार, CIP लाउंज इतना महंगा है, $18 यार, इट्स टू मच आई डोंट मेरे हिसाब से। और अच्छा चलो $18 हमने दे भी दिया। हमने जब मालूम किया कि अंदर क्या क्या रिफ्रेशमेंट है, ओनली कुकीज़ सैंडविचेस, दैट्स ऑल। इसके लिए नो वे, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे आके रैप ले लें, बर्गर ले लें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग यही क्या करें। तो भारत अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लाउंज में और हमारी फ़्लाइट है 2:55 पे। हम कुछ खाते हैं। तो ये आ गए हैं जनाब बर्गर्स और अभी चिकन पीस आता है। और आप ये देखें, ये हुआ है 4000 के अंदर सारा सारा और वहाँ पर हम 4000 इक्वली देते, ईच देते तो कितना महंगा होता। ये मिलकर 4000 हुआ है। लेकिन वाईफाई में तो सस्ता था। अब खा रहे हैं जबकि पूरा नाश्ता हम बना के आए थे। इसी वजह से तुमने नहीं खाया था ना घर पे, गए यहाँ पे खाओगे तो है ना। आप लोगों की चलाकी चलाकी। हमारी बड़ी औलाद वहाँ पे बोर हो रही है, बोर तो नहीं हो रही है, उसको सिर्फ नेट चाहिए था बस, वो सिर्फ नेट एंजॉय कर रहे हैं और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। हम खाने भी एंजॉय कर रहे हैं, नेट भी एंजॉय कर रहे हैं, दोनों चीज़ें एंजॉय। अनाउंसमेंट हो चुकी है हमारे जहाज़ की, लेकिन हम वेट कर रहे हैं अपने मर्द हजरातों का जो कि नमाज़ पढ़ने गए हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली है क्योंकि टाइम काफ़ी था, अभी भी 2:15 बज रहे हैं और 2:55 पर हमारी वो है फ्लाइट। तो बस नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद हम जहाज़ में जाते हैं और मिलते हैं। फ्लाइट पूरी की पूरी फुल है, नो प्लेन। Bye bye Pakistan.
हरकतें क्या कर रहे हैं? हरकतें नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। वो एज यूजुअल अपने मोबाइल में लगे। तो जनाब खाना भी आने वाला है और हमारे बच्चे कर रहे हैं वेट खाने के लिए। अच्छा जी खाना आ गया है जी। खाने में ऑप्शन था चिकन बिरयानी एंड जलफरेजी, तो हमने लिया जलफरेजी विद पुलाव। हम आपको दिखाते हैं अभी क्या है। बच्चों के बर्गर्स थे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाए, और उसके साथ में चीज़ बॉल। चीज़ बॉल एक ने खाया और एक को अच्छा नहीं लगा। सही रहता एयरपोर्ट। और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। फ्लाइट काफ़ी टायरिंग थी, शुरू में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, बाय द मिडल सही हो गई, बट अब हम लोग ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट में चलना बहुत पड़ता है एज़ कम्पेयर टू शारजा एयरपोर्ट। शारजा एयरपोर्ट में बस हम निकले और पहुँचे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चलना होता है, प्लस ऑल आर वेटिंग फॉर ट्रेन। अब हम भी ट्रेन में जा रहे हैं, अब फिर पहुँचेंगे इमिग्रेशन पे, फिर लगेज पे, फिर क्या सर वहाँ क्यों खड़े हैं? एक ही बात है सर वहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। हाँ ये आ गई जनाब ट्रेन, ट्रेन और इससे बैठेंगे ये पत चलाओ चल। पहले उतरेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तबीयत सही होगी तुम्हारी, तबीयत सही होगी तुम्हारी, तुम्हारी भी। अब हम लोग आ रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। एक आध सामान आ चुका है, कुछ लेने गए हैं हमारे मर्द हजरात। सामान आता है बहुत मुश्किल होता है यहाँ से सामान लेने, क्योंकि रश काफ़ी तो नहीं है, इतना रश नहीं है, बहुत ही कम रश है। आप देखें इतना कम रश है, कम लोग आए हैं दुबई में। एक सेकंड, सो लास्ट वन इज हेयर। नहीं दानिश को मैसेज करें, ऑल डन, सारा सामान डन, लेकिन मज़े हो रहे हैं। तो ये आ गए भाई, दूसरे भाई ऑन द वे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े हो गए, छोटे लग रहे हैं। अब हम लोग आ गए थे गाड़ी में, बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं घर। फिलहाल हमारे ये भाई पहुँचे थे, दूसरे भाई हमारे ट्रैफिक में फंस गए थे, वो भी इंशाल्लाह हमें घर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब घर में वेट कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारी भाभी और हमारे नेफ्यू एंड नीस। एक भाई गए हुए हैं हज पे, उनकी फैमिली से इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं। और ये बच्चे बहुत एक्साइटेड, ये भदोपदी के बच्चे, और ये भदोपदी भागी, भदोपदी भदोपदी। दरवाजा भी नहीं खोला पहले से। अरे भाई दरवाजा खोलो, अस्सलाम
हमारी बदोबदी आ गई। सगीरा ऊशी पप्पा ओके। अस्सलाम वालेकुम हमारी मॉडर्न भाभी, क्या हाल है, कैसी है? ये कौन सी गाड़ी ली आपने, क्या बिजनेस शुरू कर दिया गाड़ी का आपने? माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है ये तो, जबरदस्त। मेरी छक्कपली, मेरी छक्कपली, पा 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 कर दो। ये हमारे भाई की गाड़ी, जबरदस्त। हम बैठ रहे हैं, यस माशाल्लाह, मुबारक मुबारक, वेरी नाइस कार फॉर अस। जा रहे हैं डिनर पे, खाना तो खाना ज़रूरी है, चाहे आप कभी भी खाएं, किसी भी वक्त खाएं। से सलाम टू माई अम्मा एंड अप्पा, इन लोगों से मिलकर एक अलग ही खुशी हुई। माना 5 महीने के बाद खुशी हुई है, लेकिन जो खुशी हुई है वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अम्मा खुशी हुई है आपको 5 महीने के बाद मुझसे मिलकर? अप्पा आपको कितनी खुशी हुई है? हमेशा खुशी होती है। अब हम लूटेंगे अपने अम्मा पापा को, तो फिर और मजा आएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, एक नया रेस्टोरेंट है। कौन सा रेस्टोरेंट है भाई जी? दाल चावल ओके जी, दाल चावल है। ये मेरे लिए नया है क्योंकि मैं अभी तक इसमें नहीं गई हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है, क्या मिलता है। ढाबा चले, ढाबा ही सही, अच्छा ही भाई ढाबा, आई लव ढाबा। तो अब चलते हैं वहाँ पे, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता आप लोग को दिखाते हैं। दिस इज़ द प्लेस दाल चावल, जहाँ हम आए, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। नाम से भी सादा सादा, और इसी तरह का कुछ खाने खाने के दिल चाह रहा था हमारा। माय छक्को छक्को, माय छक्को छक्को, माय गुड़िया माय जान। छक्को यू हैव टू स्टे विद मी टुडे, ओके? आज मेरे साथ ये मेरी छक्को जो है ये ब्लॉगिंग कर रही है। छक्को व्हाट यू हैव टू से? सब्सक्राइब से ना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाइक शेयर। अच्छा से पप्पो आई लव यू कह दो ना, कह दो पप्पो। अच्छा कह दो पप्पो, कह दो ना। अच्छा हुआ हुआ मैं क्रीमी चिकन है, क्रीमी चीज किचन है, रेशमी चीज है वो मंगवा लो, जो अच्छी चीज है बस वो मंगवा लो। क्या चीज? ओके फ्रेंच फ्राइज भाई। हसन तुम क्या खाओगे? क्रीमी चिकन चीज है ओके, वो खा लेना। रेशमी चिकन नहीं है, रेशमी चिकन वही वैसी चीज खाने को नहीं चाह रहा है। दिस इज क्रीमी चिकन, दिस इज हांडी, दिस इज बटर, दिस इज बटर चिकन। How much room? बस कैसे बटर चिकन, बस यू लाइक इट, बहुत हसन यू लाइक इट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मनी कबाब कढ़ाई हो। अब आ गया है वक्त व्लॉग को खत्म करने का, रात ख़त्म, दिन ख़त्म। आज का दिन हो गया, बहुत अच्छा गुजर गया माशाल्लाह से, सुबह से लेकर रात तक बहुत अच्छा दिन गुजर गया। और मैं इख्तिताम कर रही हूँ अपने इन भाई के साथ, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया नहीं था क्योंकि ये फंस गए थे एयरपोर्ट के ट्रैफिक में, इसलिए ले नहीं आए थे। तो हम लोग ने इनसे मुलाकात हुई घर पर। तो अब मैं करती हूँ अब इस ब्लॉग को ख़त्म, फिनिश, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। Stay tuned with me, inshallah next vlog will be. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
से अगेन, अल्लाह हाफिज़।